कितने दिन हो गए वेले खोते हो? महीना लोग वेले बदन कारोबार कोई नहीं। नवी गवर्नमेंट आ रही है होना की इना मर रही है गरीबा मर रही है और की कर रहा 600 रुपया देते हैं इतनी मजदूरी भी नहीं बस वोट पाया सी बिल्कुल पाया इनु पाया नवाशी इनु पाया दूर दी इस हालत की बेड़ा गर्क हो गया कीता इमरान खान ने ओने से मुंह दे मास्क चारते हुए 3 साल वास्ते बोले हो ना नवाज शरीफ दे आज मजदूरों के बीच में हम आए हैं और इनके इनसे जानते हैं कि इनके आजकल हालात कैसे हैं क्योंकि अब नई गवर्नमेंट भी आने लगी है और क्या आप कहेंगे भैया कितो आए हो चाचा सरगोधा तो कितने दिन हो गए 35 साल हो गए थे मजदूरी कर दिया सरगोधा तो 35 साल हो गए आए हो नहीं जाई दा है घर जाई दा घर सरगोधा है हां घर सरगोधा है इथे की काम कर दियो कुछ मिलदा भी है काम कि नहीं काम को नहीं मिलदे कितने दिन हो गए वेले खोते हो महीना तो लोग वेले बदन जतन काट रहे जी कारोबार कोई नहीं हां जी किथो आए हैं बावल नगर तो काम करने वास्ते की काम करना है मजदूरी केड़ी मजदूरी कोई भी कितने दिन हो गए नहीं की थी दो त्रा दे हो गए अच्छा हां जी तू किथे आए हैं बाबा जी किथे आए हो सियालकोट तो हैं सियालकोट तो की काम जानदे हो हुनर की है हुनर कोई ये अपन मजदूरी शुरू कर दे पहले अच्छा जेड़ी लब की होना चाहिए अगे नवी गवर्नमेंट आ रही है होना की इना मर रही है गरीबा मर रहे हैं और की कर रहा कोई मजदूरी नहीं आएगी कोई आवाज आ रही है कितो है अफजाबाद हो अफजाबाद जी हां कितने दिन हो गए ने थे 8-10 दिन हो गए की हुनर जानना है की आंदा तेनु वेल्डिंग का भी काम जानता हूं और मोटरसाइकिल का भी जानता हूं मोटरसाइकिल मैकेनिक हो नहीं रिपेयरिंग ट्यूनिंग वगैरह और पंचर वगैरह मैकेनिक ही हो गए हां जी हां तो इधर मिला नहीं काम नहीं ढूंढा नहीं मिला क्या कहते हैं वो कह रहे हैं अभी काम नहीं है इसलिए शादी हुई है कि नहीं नहीं अभी नहीं हुई नहीं घर वाले किधर हैं घर वाले अफजाबाद हैं माँ बाप हैं जी हाँ क्या क्या किया है मजदूरी करने जी हाँ उधर नहीं मिला काम उधर इतना काम ही नहीं होता गांव में अच्छा जी वहाँ पे वहाँ के शहर में काम नहीं है नहीं उधर छोटा है ना इसलिए इधर भी काम किया है इधर 5-6 दिन हो गए हैं कल गया हूँ काम पर जहाँ परसों गया हूँ आज क्या काम कौन से काम पर ये शादी हाल वाला है शादी हाल जी हाँ मजदूरी मिली है जी हाँ कितनी 600 रुपया देते हैं इतनी मजदूरी भी नहीं बस ये तो मजदूर की मजदूरी भी नहीं है यानी कि इसमें भी गपला इसमें भी है? जी हाँ आजकल तो मजदूर की मजदूरी 1500 रुपए वो 1200 रुपए मजदूर है गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ है कि मजदूर की जो मजदूरी है वो 1500 रुपए है लेकिन आप मजदूरों के साथ गपला कर रहे हैं यार कुछ तो शर्म करें तो आप लोग जाते क्यों 600 रुपए में बस मजबूरी होती है घर का भी सोचना होता है इसलिए आप लोगों ने मुंह डाला हुआ है ना उनको मुंह 1500 रुपए सब मिला के एक तैयार करेंगे 1500 रुपए मजदूरी लेंगे गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है यही तो बात है ना वो कोई हिंद सिंध से यहाँ से आते लोग हिंद सिंध से 4 सुबह लोग यहाँ आते गरीब नहीं वहाँ सोची जाती वोट पाया किसी ने लब्बैक या रसूल अल्लाह पाया सी इंशाल्लाह तुसी पाया वोट नहीं भाई तुसी पाया वोट नहीं पाया इमरान खान ने पाया वोट किनू पाया सी तेर ने असली नहीं पाया वोट पाया सी यार की हां जी पीटीआई नु सी पाया सी वोट नहीं हमारा तो है नहीं भाई है ही नहीं क्यों शिनाती कार्ड नहीं है नहीं है बना ही नहीं है नहीं कब बनाना है वोट पाया सी बिल्कुल पाया किनू पाया नवाशी नु पाया अच्छा बिल्कुल मैनु ऐ दसो के मजदूर दी इस टाइम हालत की है बेड़ा गर्क हो गया कीता इमरान खान ने इमरान खान ने करता वो किवें ओने ओने से मुंह दे मास्क चाड़ते हुए 3 साल वास्ते बोले हो ना ए डंगरों नु चाड़ दे तुहानू चाड़ते है चुप खामोशी मजदूर तबका खुश सी बहुत खुश सी केड़ा नवाज शरीफ दी गवर्नमेंट तो एग्री सी हाथ चुक लो जिंदाबाद ये नून लीग के सपोर्टर हैं जी ये मजदूर तबका है
और इनका जो वोट है ना असली वोट ये होता है, मजदूर का वोट असली वोट होता है। मैं मानावाड़ा का रहने वाला हूँ, जिला मेरा शेपरा है ठीक है जी। मैं नू लीग का सपोर्टर हूँ। ओ छड्डो जिदे भी सपोर्टर हो, असि यह गल करने पे खुश केड़े हुकूमत है इस मजदूर तक। नवाज शरीफ 3 रुपए की 5 रुपए की रोटी रोटी ला के खाते रहे हैं, और इस टाइम अपने 20 रुपए की रोटी है, 20 रुपए की रोटी है, वो भी रोटी हौली है। पहले किनिया रोटियां खाना से चाचा? दो ही। ते हुण किनिया खाना है? हुण एक भी ला जे तां भी बड़ी गल, 20 रुपए की रोटी है हुण, 20 रुपए की रोटी, यानी एक रोटी खत्म कर दी है तो घटाती है, भूख घटाते तो और की असि नवाज शरीफ की हुकूमत से खुश है। हाँ जी, गवर्नमेंट नवाज शरीफ भी है इंशाल्लाह आ गई है। अच्छी गल है, अच्छी गल है, हुण कुछ होएगा इंशाल्लाह, हालात बदलणगे, हालात बदलण, हर चीज सस्ती होगी, गरीब का फायदा होएगा, मजदूर की 2000 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए, मजदूर की 2000 रुपए दिहाड़ी फिर सर का चलता है, और इंशाल्लाह सही हो जाएगा। कह रहे हो बंदा थोड़ा पीटीआई दा, मैं गया सी जाते उत्थे बै इस्लामाबाद, कौन पीटीआई दा है? मेरा कैमरामैन पीटीआई नु सपोर्ट करदा है। ओ यार करे ये हमारा मजदूर तबका है, और यकीन माने कोई बहावल नगर से है, कोई उकाड़ा से है, कोई मुल्तान से है, कोई पिंडी से है, कोई गुजरात से है, कोई चकवाल से है, कोई पता नहीं सिंध से है, लेकिन बेचारे मजदूर लाहौर आके मजदूरी के लिए, लेकिन मजदूरी नहीं है, काम नहीं है। 1500 रुपये गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि मजदूरी की जो दिहाड़ी है वो 1500 रुपये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से मजदूर ले जाते हैं, गपला करती हैं, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, इतने बेशर्म लोग हैं कि एक मजदूर के साथ गपला करना है। 1500 दिहाड़ी है, 600 रुपए में वो बार्गेनिंग करके लेकर जाते हैं, उनको थोड़ी सी शर्म थोड़ी सी हया होनी चाहिए कि ये ऐसे मजदूर हैं कि अपना गांव छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, अपनी फैमिलियां छोड़ के यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ के जो रिहायशी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो जिनको मजदूर चाहिए होते हैं, वो लोग इनके साथ बेशर्मी की तरह गपला करते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ बननी चाहिए। हमने कहा चलो आज इनसे बात कर लेते हैं, कोई इनको पूछता नहीं है, सब गुजर जाते हैं, गाड़ियाँ बढ़िया प्रोटोकॉल यहाँ से इनके सामने से गुजर जाती हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। तो हमने सोचा भाई आज इनसे बात कर लें कि इनकी हालत क्या है और इनके हालात क्या चल रहे हैं। तो भाई जान की कहना चाहोगे गवर्नमेंट नू अगली जड़ी आ रही है? भाई ऐसा मजदूरी नहीं पूरी हो रही तो की करना करवाना, अगे ना मेहनत पूरी हो रही, बच्चे भुखे ने तो असी की कहना है, असी की कहना है भाई, साढ़े बच्चे भुखे ने तो असी की कहना है, तुसी कहो उन्होंने जिम्मेदारी है, सरकारी महकमे वाले लाए जांदे ने बंदे, उत्थे पैसे नहीं दिंदे, उत्थे भजा दिंदे ने ड्यूटियां 18-18 घंटे ला के भजा दिंदे ने, ना जो कोई पैसे नहीं है, मजदूर दा एहसास करो, 600-700 रुपए ना की कर अपना पेट पालने को, दिहाड़ी लाके चले जांदा हर एक बेचारा, उत्ते दे उत्ते खला हो जांदा, मजदूर मजदूर ही खांदा पिया, ए नहीं करदा पिया इहदे किन्ने बच्चे ने, थोड़े बच्चे ने, इहदा सर्कस किंदा है, इहदी जेब पैसा है कि नहीं है, ए रोटी मंगेगा कि नहीं, ए खाली लंगर नाल नहीं, होर भी खर्चे ने घरां दे, 100 लेन देन ने, 100 अग्गे पिछे है, चाह भी पीनी है, रोटी भी खानी है। हमारे वजीर आजम की जिम्मेदारी है, वजीर आला की जिम्मेदारी है, और हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी भूखा ना सोए रात को, और लेकिन आजकल इन सब मजदूरों के जो बच्चे हैं वो भूखे सो रहे हैं, 3 टाइम की बजाय 1 टाइम का खाना खाते हैं क्योंकि काम नहीं है। तो ये दिखाना बहुत जरूरी था। अल्लाह हाफिज़।